ये वाला एयर फिल्टर है, ये जब सिग्नल आता है तो इसको निकाल के एक बार क्लीन करते हैं। इसका क्लीन करने का एयर प्रेशर रहता है 2 bar के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी इधर फ्यूज बॉक्स एकदम ओके है और इधर में कोई किसी तरह की लीकेज नहीं है, तो ये भी हम यहाँ पे कर देंगे बंद। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, कोई किसी तरह की लीकेज क्रेक नहीं है मशीन में। उसके बाद में हम करेंगे लुब्रिकेंट, मशीन का होस, सब के सब एकदम विजुअल इंस्पेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे स्टार्ट मशीन को केबिन में जाके, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो अब हमारा सेकेंड प्रोसेस आता है मशीन को स्टार्ट करना। स्टार्ट करके एक विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे सेकंड ऑपरेशन में लेने से पहले। तो हम 3-point कॉन्टैक्ट के साथ मशीन में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद में सीट पे बैठ जाएंगे और चाबी ऑन करेंगे। ये हमारी चाबी है और ये हमारा इधर में स्टार्टिंग पॉइंट है। की को डालेंगे, फर्स्ट की ऑन करेंगे, सप्लाई चालू हो जाएगा। हमारा एसी ऑन हो गया है, ऑन पोजीशन में था, एसी को ऑफ करेंगे और इधर रेडियो भी ऑन हो गया है तो रेडियो को भी ऑफ कर देंगे। ये सब करने के बाद में हमें डिस्प्ले में देखना है कोई किसी तरह का एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो हम हॉर्न बजाएंगे एक बार, ताकि कोई आसपास है वो थोड़ा सा सचेत हो जाए स्टार्ट होने से पहले। और फिर हम एक बार अपना सेफ्टी लीवर चेक करेंगे, इसको भी डाउन करेंगे और मशीन स्टार्ट कर देंगे। और हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे बाकी का कोई मशीन में लीकेज है कि नहीं है। अब हम अपने कपड़े के साथ और मशीन में लाइट ऑन किया ताकि पता चले लाइट ऑन, फिर हम 3-point कॉन्टैक्ट के साथ फिर नीचे आएंगे और फिर हम अपना मशीन में लीकेज चेक करेंगे। लाइट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, बाकी लाइट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं है और बूम का भी लाइट हमारे प्रॉपर जल रहे हैं, इधर में किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है। ये हमारा सेकंड वॉकर राउंड बोलते हैं जिसको, इसमें हम लीकेज ही चेक करते हैं ज़्यादातर। तो पूरा सर्किट हमारा अच्छे से लगा हुआ है, कहीं पे सीपेज लीकेज किसी तरह का भी नहीं है। और हम अब पीछे जाके देखेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अब हम आते हैं हमारे पंप पे। पंप में किसी तरह का भी लीकेज नहीं है, एकदम साफ है, तो ये भी हम यहाँ पे बंद कर देंगे। नीचे में किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है, एकदम अच्छा है। और फिर आते हैं हम यहाँ पे इंजन ऑयल की तरफ से, ऊपर किसी तरह का लीकेज नहीं है, ये यहाँ से हम कर देंगे। एयर फिल्टर हमारा प्रॉपर कंप्लीट है। इस तरीके से हमारा मशीन स्टार्ट हो गया है और अब हम इसको लेकर चलते हैं वार्म अप मोड में। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे मोड को, हम यहां पे सिलेक्ट मोड करेंगे F1 और इसको स्किप कर देंगे। हमारा फ्यूल लेवल लो है तो F1 में हम सेलेक्ट किया, ये लिफ्टिंग मोड है और हम इसमें मशीन को वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा सीट बेल्ट यूज करेंगे, सीट बेल्ट यूज करके और उसके बाद में सेफ्टी लीवर लॉक ओपन करेंगे और हम बूम को अप डाउन करेंगे।
यहाँ से अब आर्म को अंदर लेंगे, बॉकेट को इन आउट करेंगे। अब हम स्विंग को भी चेक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम ट्रैक को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब स्पेस कम है यहाँ पे। और अब हम इसको वापस यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ पे मशीन को जब भी, ये अब हमारा वर्किंग कंडीशन में है, हम जाके ऑपरेशन कर सकते हैं, कहीं पे भी आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे दूब है, इसको हम खट तक हटा सकते हैं थोड़ा सा। दूध पाने के लिए मशीन आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और अब हम इसको करेंगे स्टॉप। जैसे हमारा काम कंप्लीट हो गया, हम मशीन को स्टॉप करेंगे और इसको आइडल पोजीशन में कर देंगे। मशीन को कम से कम बंद करने से पहले एक मिनट तक आपको आइडल कंडीशन में रखना होगा और अपना सीट बेल्ट रिमूव करिए। और जैसे एक मिनट पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमें मशीन को आइडल कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा टर्बो है उसका आरपीएम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और लुब्रिकेंट प्रॉपर रहता है। तो हमें एक मिनट के बाद में ही मशीन को शट डाउन करना चाहिए। ये सब करने के बाद में हमें थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट के साथ ही नीचे उतरना है और अपना मशीन को लॉक करना है। लॉक करने के बाद में इधर में बैटरी का कनेक्शन जो है, मैं मास्टर स्विच के बैटरी का मास्टर स्विच को कट करना है। ये ऐसा होता है। उसके बाद में हमें ऊपर चढ़ के थोड़ा सा ये हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीज कर देना चाहिए। जो टैंक में एयर होता है वो बाहर निकल जाएगा और मॉइस्चर जो बनता है वो नहीं बनेगा हाइड्रोलिक में, तो ये थोड़ा सा सेफ रहता है। और इसके साथ फिर हमें थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट के साथ नीचे उतरना चाहिए। और ये हो गया हमारा स्टार्टिंग और स्टॉपिंग प्रोसेस। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।